गणेश जी की मूर्ति विसर्जन भक्तों ने घरों में किया। बरेली श्री शिव शक्ति दुर्गा जी धाम मंदिर चौक बिहारीपुर खत्री यान वासी अनंत चौदस को अपने अपने घरों में विराजे गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। आज से अपने अपने घरों में भगवान गणेश जी की सेवा कर रहे दुर्गा जी धाम वासियों ने बताया कि अब की बार कोविड-19 संक्रमण के कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी दुर्गा जी धाम वासी अपने अपने घरों पर ही मूर्ति विसर्जन किया। इसके अलावा मूर्ति की मिट्टी से दुर्गा जी धाम में एक वृक्ष लगाएंगे, जिससे प्रकृति हमारे साथ में रहे और हमें हमेशा ऊर्जा मिलती रहे। क्या नाम है आपका? विकास मेहरोत्रा। आज जो आपने विसर्जन किया यहाँ पे गंगा जल बनाकर जी, क्या क्यों कारण है? ये इसका कारण है कोविड-19 संक्रमण, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के अनुसार हमने उचित दूरी बना करके सभी लोगों से अपना संक्रमण का बचाव करना है और अपने परिवार की रक्षा करनी है, और भगवान गणेश जी सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ये संदेश भी देते हैं कि अपना सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, बुद्धि देते हैं। उन्होंने हमें बताया जिस प्रकार से भी मोदी जी ने और सब ने कि कोविड-19 संक्रमण के तहत राम गंगा में विसर्जन नहीं करना चाहिए और इस समय पर सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। इस वर्ष अपने अपने घरों पर सब लोगों ने मूर्ति स्थापित करी और समस्त दुर्गा जी धामवासियों ने अपने अपने घर पर मूर्ति स्थापित करने के बाद इसी तरीके से हर घर में मूर्ति का विसर्जन जो है अपने घर के बाहर गंगाल में किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने घरों पर ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में जब ये वो हो जाएगी, इसकी मिट्टी मैश हो जाएगी, उसके बाद में इस मिट्टी का और जल को यहाँ पे दुर्गा जी धाम मंदिर है, यहाँ पर एक हम वृक्ष लगवाएंगे और उसमें जो है ये जो है मिट्टी और इसकी मिट्टी थोड़ी और जल उसी में प्रवाहित कर देंगे। मेरा नाम मुनीश कुमार एडवोकेट है और मैं दुर्गा जी धाम नाथ नगरी के राजा के इस पंडाल से आप सबका अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष में आप सबका स्वागत करता हूँ। और श्री गणेश उत्सव जो हमारे यहाँ 11 दिन का सब लोगों ने मनाया और अपने अपने घरों पर इस कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी जो भी हमारे लिए गाइडलाइन थी उन सब का पालन किया और अपने घरों पर ही उनका पूजन अर्चन करके और हमने मंदिर पर ही उनका विसर्जन किया। तत्पश्चात इन गणेश जी की मूर्तियों को हमने जो पूजा की और उनका जो हमने सामग्री थी वो सर्व समस्त सामग्री अपने मंदिर स्थल दुर्गा जी धाम शिव शक्ति बिहारीपुर खत्रियान पर विसर्जन करके राम गंगा में अंत में दिया जाएगा। इससे पहले कहाँ ले जाते थे विसर्जन? इससे पूर्व हम यहाँ से एक विसर्जन यात्रा शोभा यात्रा निकलती थी जो कि राम गंगा जाती थी और पूरे मंडल में घूमती थी, बड़ा बाजार साहूकारा किला होते हुए फिर हम राम गंगा पुलों के मतलब राम गंगा जो है किला पुल से हम उन्हें विसर्जन के लिए ले जाते थे। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।